हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सोशल फार्मेसी का ये चैप्टर है, उसमें हमने एक डिजीज़ पहले हम कवर कर चुके हैं, सिफिलिस, और ये दूसरा डिजीज़ है एचआईवी एड्स। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता क्या है इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि वन बाय वन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ मतलब जो सेक्सुअल एक्टिविटी की करने की वजह से उसके ड्यूरेशन में कुछ डिजीज़ जो कॉज करती हैं उनको हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहेंगे। और उनमें से एक सबसे जानलेवा खतरनाक घातक जो डिजीज़ है वो एचआईवी एड्स है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनी डिफेंसी सिंड्रोम। अब सिंड्रोम मतलब होता है मींस अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, इसलिए सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि ये मेनली जो एचआईवी एड्स है ये हमारे इम्यून सिस्टम को ही अफेक्ट करते हैं। जैसे हमने बाकी डिजीज़ों में देखा कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को या ब्लड में जाके या कुछ ये सब चीज़ों को वो कॉज करते हैं, लेकिन जो एचआईवी है वो हमारे मेन इम्यून सिस्टम को ही ख़राब कर देता है या ख़त्म कर देता है कह सकते हैं। जो हमारी इम्यून सिस्टम है, जो हमारी सैनिक है, सोल्जर हैं, जो डिजीज़ के लिए लड़ते हैं, फाइट करते हैं, वही ख़त्म हो जाएंगे, वही कमज़ोर हो जाएंगे, तो हम हजारों बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। इसीलिए ये बहुत ही वेटल डिजीज़ है, ये बहुत ही घातक है। कंडीशन कैरेक्टराइज बाय अ ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स ओकरिंग टूगेदर एज अ रेजल एंड डिक्रीज इफिशेंसी ऑफ द इम्यून सिस्टम कॉज बाई एच आई वी। जैसे कि अब मैंने बताया कि इसमें ऐसे ऐसे कंडीशन और ऐसे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आते हैं जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम की डिफिशेंसी कमज़ोर हो जाती है और हम पूरी तरह से ही बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि मेन इम्यून सिस्टम पर ये इफ़ेक्ट करता है। और इसके बारे में लोग बात नहीं करते क्योंकि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, इसको टैबू की तरह लिया जाता है, लेकिन हमारी जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। हमें इन सब का पर्दा हटा के इन सब चीज़ों के बारे में बात करना चाहिए, बिकॉज सबकी जान कीमत है, सबकी जान की एक वैल्यू है। तो ये सब इंडिया में सबसे ज़्यादा होने वाला सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में एचआईवी एड्स हैं, क्योंकि इसके अवेयरनेस के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और गांव देहात में तो इसके बारे में बात करना तो बहुत ही बड़ा पाप, टैबू समझते हैं, लेकिन जितना हम डिजीज़ के बारे में जानेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में खुल के बात करेंगे, अवेयरनेस बढ़ेगी, जब तभी हम इन सब बीमारों से निजात पा सकते हैं या इन सब की बीमारियों के रेशियो को कम कर सकते हैं। अब इसके पॉजिटिव एजेंट क्या है, पॉजिटिव एजेंट ऑफ एड्स इज ह्यूमन इम्यूनी डिफिशेंसी वायरस एचआईवी। जो एड्स के पॉजिटिव एजेंट है वो एचआईवी है, यानी इम्यूनी डिफिशेंसी वायरस, विच मे बी ऑफ द फॉलोइंग टू। एक एचआईवी फर्स्ट है और एक एचआईवी सेकेंड है, लेकिन सॉरी इसमें फर्स्ट लिख के चला गया है बाय मिस्टेक। ये बिलोंग्स करता है रेट्रोवायरल फैमिली से एंड दस रेट्रोवायरस कैपेबल टू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब कि ये रेट्रोवायरल फैमिली के वायरस से बिलोंग करता है एचआईवी, और इसका क्या काम है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। यानी जैसे कि आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए बनता है, ये आपने पढ़ा होगा, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है आरएनए से डीएनए फॉर्म। इट्स बिलोंग टू जीनस एन लेंटीवायरस, स्मॉल वायरस। और ये कौन सी जीनस से बिलोंग करता है, लेंटीवायरस से करता है, और फैमिली है इसको रेट्रोवायर डिजीज़। थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ आईवी जान ले, मतलब कि वायरस कैसा होता है, क्योंकि इस डिजीज़ को समझने के लिए इसके स्ट्रक्चर को समझना थोड़ा बहुत ज़रूरी है, इन द पर्पस ऑफ नॉलेज और इन द पर्पस ऑफ अवेयरनेस। एचआईवी इज स्पिरल एंड अपीयर लाइक सॉकर बॉल हैविंग अ डायमीटर ऑफ 10 to 9 micrometer। ये स्पिरिकल यानी गोला होता है, सॉकर बॉल की तरह दिखाई पड़ता है। एचआईवी मेड अप ऑफ फोर पार्ट्स, चार पार्ट से बना हुआ है, आउटर इनवेलप, इनर कोर और जेनेटिक मटेरियल एंजाइम।
एक एक को देखते हैं। ये एक रफली डायग्राम है जिसमें एचआईवी वायरस का रफली डायग्राम दिखाया गया है। प्रोटीएज होते हैं, बहुत सारे प्रोटीएज हैं, जीपी यानी ग्लाइको प्रोटीन 120, जीपी 41 प्रोटीनेज है इसके अंदर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेन आपको इस तरह से बस एक जनरल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपका इसका पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से डायग्राम मिल जाएगा। आउटर इन्वेलप में क्या है, एच आई वी हैज़ एन आउटर इन्वेलप मेड अप ऑफ लिपिड्स हैविंग मैनी नोब्स शेप्ड ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो आउटर इन्वेलप होता है ये लिपिड का बना होता है और नोब्ड शेप का होता है और ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। दूसरी सेकेंड पॉइंट, मॉलिक्यूल्स प्लेज एट रेगुलर इंटरवल। इसमें मॉलिक्यूल जैसे आपने देखा राउंड राउंड जो है वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं रेगुलर इंटरवल्स में। दिस ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल आर ऑफ टू टाइप, जीपी 120 जीपी 41। जीपी जो 120 है वो सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन है, जीपी है जो है ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन के हिसाब से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप पूछा जैसा है कि कौन से प्रोटीन होते हैं, तो जीपी 120 जो सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन है, जीपी 140 जो ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है। अब नेक्स्ट देखते हैं इनर कोन। विद इन द इन्वेलप देयर इज अ प्रोटीन कोर मेड अप ऑफ टू कोट। जो इन्वेलप है इसके जो प्रोटीन उसमें कोर में जो है, अब जैसे कि आउटर कोर, हम लोगों ने आउटर कोर देख लिया, अब उसको अंदर देखा जाए तो उसके अंदर जो कोर है इनर कोर है वो दो कोट से मिलकर बना होता है, आउटर P17 कॉल्ड अ मैट्रिक्स प्रोटीन और जो इनर पी है वो 24 P24 होता है, उसको कहा जाता है कैप्सिड प्रोटीन। पहला है मैट्रिक्स प्रोटीन, दूसरा कैप्सिड प्रोटीन। ए इज एंटीजेनिक कैप्सिल ऑफ इंड्यूसिंग इम्यून रिस्पॉन्स, हैंस इट ऑल्सो कॉल्ड अ इनर कोड। में क्या है, दो कैप्सिड है मतलब कोर है, P17 और P24, और जो P17 इसको मैट्रिक्स बोला गया, P24 को बोला गया कैप्सिड। ये एंटीजेनिक होते हैं, कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, और इन हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ P24 एंटीजन। इसको मिला जुला P24 भी कहा जाता है। अब जेनेटिक मटेरियल के बारे में देखते हैं। जेनेटिक मटेरियल विद इन द प्रोटीन कोर देयर आर टू स्टैंड ऑफ आरएनए। यहाँ जेनेटिक जो मटेरियल होते हैं वो टू स्टैंड के आरएनए होते हैं। विद इन द प्रोटीन कोर देयर आर थ्री एंजाइम। अब प्रोटीन के अंदर जो है वो तीन एंजाइम होते हैं, एंजाइम्स के बारे में नहीं पढ़ना है, ऐसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इंटीग्रेटेड और भी बहुत सारे हैं, एचआईवी फर्स्ट, एचआईवी सेकंड टाइप है एचआईवी का। जो एचआईवी फर्स्ट होता है वो हाईली वर्जुलेंट और ईजली ट्रांसमिसिबल होता है, और एचआईवी टू उससे लेस होता है। इट इज़ मोर कॉमन एंड सीन इन इंडिया, एशिया, अमेरिका एंड यूरोप। H1 जो है वो ज़्यादातर इंडिया, अफ्रीका में देखा गया है, और H2 जो है वो अफ्रीका में देखा गया है। और H1 इट इज़ अ फर्दर कैटराइज इन फोर ग्रुप MNOP, चार ग्रुपों में और भागा गया है, भाग लिया गया है, मतलब चार H1 जो है वो MNOP में, और जो H2 है ये फर्दर कैटराइज गया 8 ग्रुप में, 8 ए से लेकर के H तक में ये बटा गया है। H2 जो है अबाउट H1 में अबाउट 90% एड्स केस इन वर्ल्ड आर कॉज बाई HIV। मोड ऑफ एक्शन देखते हैं कि कैसे ये फैलता है। तो मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है, बाई इंटी चार टाइप के मोड ऑफ एक्शन है, किस तरह से फैलेगा, बाई इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, फ्रॉम इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट ड्यूरिंग प्रोसीजर, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड। तो वन बाई वन इनको समझते हैं। बाई इन्फेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट यानी HIV स्प्रेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर जो HIV वो कैसे फैलेगा, अगर सामने वाला जो इंसान है वो HIV से पहले से इन्फेक्टेड है तो आप भी अगर HIV पॉजिटिव हो सकते हैं इसके कॉन्टैक्ट में आने से।
द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कुड बी, अगर दूसरा क्या है, दूसरा मोड क्या है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कुड बी होमोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट, यानी होमोसेक्सुअल मतलब एक ही लिंग के यानी एक ही जेंडर के अगर बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो उससे मे बी पॉसिबिलिटी है कि HIV वायरस स्प्रेड हो। हेट्रोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट दूसरा हो गया हेट्रो, यानी अलग अलग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स के साथ में हो, विथ मल्टीपल सेक्स पार्टनर, या फिर मल्टीपल यानी एक से ज़्यादा किसी के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा हो, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो, तो ये भी एक चांसेस होते हैं HIV के स्प्रेड होने का। मैक्सिमम केस ऑफ एड्स आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, जो सबसे ज़्यादा देखिए जैसे कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के तो बहुत सारे मोड ऑफ एक्शन है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम केस माना गया है वो होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से। इट कुड ऑल्सो स्प्रेड थ्रू ओरल और एनल सेक्स, अगर ओरल और एनल सेक्स का हो रहा है तो इससे भी सेक्सुअल ट्रांसमिट हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव म्यूकस लेयर होती है, इस वजह से उसमें स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है फॉर्म इन्फेक्टेड ब्लड, ब्लड से कैसा होगा, जब अगर ब्लड इन्फेक्टेड है तो कोई ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, अगर हम किसी को ब्लड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, खुद का ब्लड किसी और को दे रहे हैं और हम खुद इन्फेक्टेड हैं, तो वो सामने वाला भी पर्सन इन्फेक्टेड हो सकता है। फ्रॉम इन्फेक्टेड ट्रांस इंस्ट्रूमेंट नीडल्स सिरिंज ड्यूरिंग सर्जरी ऑक्यूपेंचर टैटूइंग ईयर पीसिंग ट्रांसवेनस ड्रग अब्यूज़, मतलब फ्रॉम इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू भी हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं, जैसे कि नीडल्स हो गया, एक ही नीडल से इंजेक्शन लगाए, एक ही नीडल से IMV इसमें भी चला रहे हैं, इम्प्यूल से इंजेक्शन लिया और वही इम्प्यूल से नीडल से फिर दूसरे के बॉटल में डाल दिया, तो मे बी ये चांसेस हो सकते हैं इन्फेक्टेड होने के। और सिरिंज हो गया, ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम पे भी एक ही इक्विपमेंट का दूसरे से यूज़ करना, या फिर तो साफ तरीका ना हो और स्टराइल ना हो और ऐसे इंस्ट्रूमेंट का बार बार यूज़ करना भी हो सकता है। टैटूइंग मतलब बहुत लोगों को टैटू बनाने का शौक होता है, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा टैटू बनवाना चाहिए तो एक वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन और वेल ट्रेंड बंदे से ही टैटू कराना चाहिए, ऐसे यहाँ वहाँ लोकल या जो रास्ते वास्ते में बैठ के बनाते हैं उनसे नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि फिर वो एक ही नीडल्स को यूज़ करेंगे और अनहाइजेनिक तरीके से यूज़ करेंगे तो मे भी आपको चांसेस हो सकता है। ईयर पीसिंग मतलब कान छिदना जो होता है उसमें भी जो टैटू नीडल्स यूज़ हो रहे हैं वो भी मे बी इन्फेक्टेड हो, अदर किसी पर्सन से वो यूज़ किया गया हो और ऑलरेडी वो पर्सन इन्फेक्टेड हो, देन आफ्टर उसको आपको भी इंजेक्ट किया जाता तो आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज़ हो सकते हैं। शेयरिंग इन्फेक्टेड रेज़र और टूथब्रश अगर ड्यूरिंग सेविंग के टाइम पर भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, उस किसी और का यूज़ किया हुआ रेज़र उसमें ब्लड का सीमेन प्रेजेंट हो, ब्लड प्रेजेंट हो और वो फिर आप यूज़ कर लो या कोई और यूज़ कर ले, फिर टूथब्रश दूसरों का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मे बी चांसेस आपको भले पता ना हो कि वो है कि नहीं है, फिर भी एक हाइजीनिक तरीके से और इसको ये सोच करके भी दूसरे का टूथब्रश यूज़ रेज़र नहीं करना चाहिए। दूसरा है ड्यूरिंग प्रोसीजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहा हो, डायलिसिस प्रोसीजर डन ड्यूरिंग किडनी फेलियर विथ वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव फ्रॉम सर्कुलेशनिंग ब्लड आर्टिफिशियल इंस्टीमेशन यूजिंग इन्फेक्टेड सीमेन द फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड ट्रांस पर्सन। अब जैसे हमने ड्यूरिंग प्रोसीजर देखा, यानी कोई ट्रांसप्लांट हो रहा हो या कोई किसी की डायलिसिस हो रही हो, वेस्ट प्रोडक्ट को हटाया जा रहा हो, क्योंकि ऐसा है माना जाता है कि जितने भी फ्लूड प्रेजेंट, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन उसके कोई भी फ्लूड है उससे कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है, जैसे कि ब्लड हो गया, सीमेन हो गया, मिल्क हो गया, ये सब चीज़ें भी है जो ट्रांसफ़र कर सकती हैं, स्प्रेड कर सकती हैं। दूसरा हो गया मदर से कैसे जाएगा, HIV में ऑल्सो स्प्रेड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड थ्रू अ प्लेसेंटा ड्यूरिंग लेबर डिलीवरी, प्लेसेंटा के थ्रू, क्योंकि प्लेसेंटा एक ऐसी पाइप है, एक ऐसा ट्यूब समझ सकते हैं जिससे मदर अपने बच्चे को फीडिंग होती है उनके थ्रू,
सारी प्रोसीजर होती है। तो एक जब सारे न्यूट्रिशन प्लेसेंटा से बेबी में जाता है तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि अगर आपको कोई बीमारी है, HIV है, तो वो प्लेसेंटा से आपके बेबी में भी पहुंच सकता है। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड इज कॉल्ड अ वर्टिकल ट्रांसप्लेसेंटा ट्रांसमिशन। अगर ऐसे बच्चे में हो जाता है तो उसको हम कहेंगे वर्टिकल ट्रांसप्लेसेंटा ट्रांसमिशन। अब नेक्स्ट है मदर HIV ट्रांसफर इज प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क। अगर मदर को भी है तो ब्रेस्ट फीडिंग से भी हो सकता है। बोला ना, जितना भी फ्लूड है उसके हिसाब से कभी बच्चे को माँ से भी हो सकता है। अब इसके डायग्नोस में देखेंगे तो क्या है, एलिसा टेस्ट। एलिसा इसको कहा जाता है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेटेन एसे, यानी इसको स्क्रीनिंग टेस्ट। दिस टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट HIV। इसमें देखा जाता है कि आपकी बॉडी में किसी डिजीज़ के खिलाफ कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस कितनी हुई और कितना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखा जाता है। द प्रिंसिपल एंजाइम यूज इन एलिसा इज एल्कलाइन फॉस्फेट। द एंटायर ऑफ HIV इन द बॉडी अ पीरियड ऑफ 3-6 months इज रिक्वायर्ड बाई द ह्यूमन बॉडी प्रोसीजर। 3 से 6 months की जरूरत पड़ती है HIV को अपना प्रोसीजर पूरा करने के लिए, किसी भी इंसान में अपनी ड्यूरेशन पूरा करने के लिए, अपने आप को एक्टिव करने के लिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड एलिसा ट्रीटेड इज पॉसिबल नेगेटिव। अगर इस पीरियड हम टेस्ट कर लिया जाता है तो मे भी ये नेगेटिव आए, पर जो और दिस द पीरियड व्हेन द पर्सन इज इन्फेक्टेड बाय HIV बट एलिसा इज नेगेटिव कॉल्ड अ विंडो पीरियड। कोई बंदा इन्फेक्टेड हो चुका है लेकिन टेस्ट में वो समझ नहीं आ रहा है, टेस्ट में पकड़ा नहीं जा रहा है, 3 से 6 months के बीच में हम टेस्ट करवा रहे हैं और टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो इस ड्यूरेशन पीरियड को हम बोलेंगे विंडो पीरियड। इफ़ एलिसा इज नेगेटिव आइदर द पेशेंट डज नॉट हैव अ डिजीज और मे बी इन द विंडो पर्सन। अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये नहीं है, ये कन्फर्मिटी नहीं है एलिसा टेस्ट से कि आप नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बट इसमें भी कह सकते हैं क्योंकि ये मेनली इसलिए देखा जाता है आपकी एंटीबॉडीज़ कितनी प्रोड्यूस हुई ये देखा जाता है। तो मे बी डिजीज़ भी है ना विंडो पीरियड हो सकता है या फिर तो नेगेटिव हो सकता है। इफ़ एलिसा इज़ अ टेस्ट इज़ अ पॉजिटिव द पर्सन में और बी नॉट हैव HIV। अब आगे क्या, एलिसा टेस्ट में शो अ पॉजिटिव रिजल्ट इन सम अदर कंडीशन। अब किसी किसी कंडीशन में एलिसा टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, अगर आपको HIV नहीं भी है तब भी। जैसे कौन सी कंडीशन होगी, लेप्रोसी, TV, मलेरिया, कैंसर, हेपेटाइटिस, रेमेटॉइड अर्थराइटिस, हीमोफीलिया, प्रेगनेंसी, किडनी फेलियर, प्रीयूटिशा, इन सब चीज़ों में भी अगर एलिसा टेस्ट कराते हैं किसी चीज़ के लिए तो भी पॉजिटिव आ सकता है, तो उस चीज़ को कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं कह सकते हैं। कंफर्मेटिव करने के लिए कौन सा टेस्ट होगा, वेस्टर्न ब्लो टेस्ट, इसको बोला जाता है कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर एलिसा पॉजिटिव केस। और दूसरा एक है PCR यानी पॉलीमरेज चैन रिएक्शन टू डिटेक्ट अ वायरल जीनोम। और एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हॉस्पिटल की बहुत ही अगर हाईली ट्रीटमेंट के लिए, तो वो ART होती है, एंट्री रेट्रो वायरस थेरेपी, वो दी जाती है HAART यानी हाईली इफेक्टिव एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी, HAART हाईली एक्टिव एंटी रेट्रो थेरेपी दी जाती है इन केस ऑफ HIV, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि HIV का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ हम लोग यहाँ पर सिम्टोमेटिक टेस्ट किया इलाज किया जाता है, उसकी जो वायरस है उसको उसके रिप्लिकेशन को रोक दिया जाता है, इनहिबिट कर दिया जाता है, मतलब उसकी एफिकेसी को कम कर दी जाती है, बाकी वायरस को मार नहीं सकते या फिर हम पूरी तरह से नहीं ख़त्म कर सकते। हम सिर्फ यहाँ ट्रीटमेंट किया जाता है, सिर्फ आपकी इम्यून सिस्टम, आपको इम्यून सिस्टम थेरेपी दी जाती है, जैसे अभी कोविड का वैक्सीन आया उस तरह से, यहाँ पर कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ वायरस को मारा नहीं जाता है परंतु उसकी रिप्लिकेशन पे काम किया जाता है, उसके रिप्लिकेशन को प्रोसेस को कम कर देता है, स्लो कर दिया जाता है। इस चीज़ पे ये वहाँ जो भी मेडिसिन है वो इस चीज़ पे वर्क करती है।
सिम्टम्स अब पूरी होल ऑफ, क्योंकि इन्फेक्टेड आपका इम्यून सिस्टम ही कमज़ोर हो चुका है, तो अब जब कमज़ोर हो जाएगा तो आपकी पूरी बॉडी कमज़ोर हो जाएगी। तो उसमें से कुछ सिम्टम्स है जैसे पल्मोनरी इन्फेक्शन हो जाएगा, पल्मोनरोसाइटोस निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है आपको, स्किन डिजीज़, द मोस्ट प्रोमिनेंट डिजीज़ ऑफ द स्किन इज ट्यूमर हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोट्रिक इन्वॉल्वमेंट, दिस इंक्लूड एनाफाइलेटिक एंड मेनिनजाइटिस भी हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में आपको हो जाएगा इसोफेगाइटिस, क्रोनिक डायरिया एंड ट्यूमर्स भी हो सकता है। मेनली तो आपको टेस्ट कराना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा कि आपको हुआ, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी इफेक्ट कर रही है और पर्टिकुलर इसका कोई मेडिसिन नहीं, पर एंट्रो वायरल ड्रग देकर के इसको ट्रीट किया जाता है। प्रिवेंशन क्या है, स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड डोनर ऑफ एडीएस, जब भी ब्लड लिया हो उसका स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया जाए, स्क्रीनिंग ऑफ हाई रिस्क ग्रुप लाइक अ पोस्टरेटरी एंड ड्रग एडिक्टेड भी लोग होते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है, यूजिंग डिस्पोजल सिरिंज फॉर इंजेक्शन, सिरिंज डिस्पोजल के लिए अच्छा प्रबंध किया जाया हो, अवॉइड अ प्रोमिस्कियस सेक्सुअल ट्रांसफर, प्रोमिस्कस सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को अवॉइड किया जाए, यूजिंग अ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, और ट्रीटिंग विथ एंटीवायरल एजेंट लाइक एजिथ्रोमाइडीन, इट इज़ नॉट अ क्योर बट कैन प्रोलॉन्ग द पेशेंट लाइफ, प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट नॉलेज फॉर पीपल्स, जो अवेयर करते हैं लोगों को, जागरूक बनाते हैं ताकि इन द फ्यूचर ये केस की को कम कर सके। सारे नॉलेज रख सकते हैं जब आप, तो आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ की नॉलेज, एचआईवी एड्स की नॉलेज भी रखना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपके लिए पढ़ाई है। प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन ऑन एड्स रिलेटेड प्रॉब्लम एंड प्रिवेंटिंग मेथड, ट्रीटमेंट में जैसे बताया एजीटी दिया जाता है, एजिडोथायमिडीन या फिर ओजिडीन, न्यूरोवेप्रिन, रूट्रेग्रेविर, ये भी एक मेडिसिन है, इन सब की कॉम्बिनेशन या फिर सिंगल एक डोज में भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसकी थेरेपी चलती है बहुत ही बस लाइफ को प्रोलॉन्ग लाइफ करने के लिए, या फिर तो जो वायरस है उसकी रिप्लिकेशन को रोकने के लिए, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है एआरटी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, उनके थ्रू आपको एएआरटी हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरिंग थेरेपी दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, आई होप सो आपको समझ में आया हो एड्स क्या होता है, कैसे फैलता है, और जितना हो सके इस बीमारी को जानिए, इसके बारे में जागरूक रहिए और सभी को बताइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को समझाना बताना, बेझिझक हो करके इस चीज़ के बारे में बात करें, क्योंकि बिना बात किए अगर किसी की ज़िंदगी चली जाती है तो ये कितनी अफसोस की बात है। होप सो क्लास आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, समझ में आया हो। अब अगली क्लास में हम नेक्स्ट डिजीज़ को पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।